अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इस फ्रिज से मैंने इतनी मुश्किल से जान छुड़ाई है। ये वो ख़राब वाला फ्रिज है ना, तो ये मेरे घर में पड़ा हुआ था और आपको पता है यहाँ पे जगह वैसे ही थोड़ी होती है, तो ये ख़राब फ्रिज को भी बंदा रख के बैठा रहे। तो मैंने काउंसिल वालों से बुक किया कि इसको रिमूव कर दें, तो £35 उन्होंने मुझे चार्ज किए और अब मुझे इसको ना अपनी ड्राइववे के एंड पे छोड़ के आना था। इतनी मुश्किल से मैं इसको घसीट घसीट के बाहर निकाला मैंने, और ये देख लें बड़ा ही मुश्किल काम था यकीन करें। और जिसमें मैं ना बस थक गई, और फिर ये दोनों यहाँ रखा और ये इसको यहाँ से उठा के लेके गए नेक्स्ट डे। तो अगर यही पाकिस्तान होता ना, तो मुझे पैसे मिलने थे इसके, ना कि मुझे पैसे देने पड़ते। उसके बाद मैं इतना थक गई, मैंने जाके शावर लिया, बच्चे अभी सो रहे थे क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, और मैंने अपने लिए सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया। मुझे ना अब मैं इतना थक गई थी, मैं दिल ही नहीं कर रहा था ब्रेकफास्ट बनाने को, लेकिन भूख लग रही थी तो मैंने बस ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया। उसके बाद बच्चों के लिए पैनकेक्स बनाए, क्योंकि वो उनकी छुट्टियां हैं, वो घर पे हैं, लेट उठे हैं, तो उनकी फरमाइश थी उनके लिए ये पैनकेक्स बना दिए, तो ये उनका नाश्ता हो गया। उसके बाद ना मेरा प्लान था कि आज ना मेरी एक दोस्त है, उससे जो मेरे जूते देखे तो उसने कहा जी मुझे भी ऑर्डर कर दो, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, लेकिन वो फिर से आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं साइज़ उसके। तो फिर अब मैं उसके, उसने कहा अच्छा मुझे उससे कोई, उसके साथ कोई मिलता जुलता जो है ना, मुझे वो ढूंढ के दो। तो वो भी मैं यहाँ पर मार्केट में आई हूँ, मुझे एक्चुअली बैंक में काम था, मेरा बैंक भी इधर ही है। मैं पहले बैंक गई, फिर वहाँ से अब मैं ये जाती हूँ। मैंने ना क्लार्क पे एक जूता देखा है जो कि उस जैसा ही है, और यहाँ जो क्लार्क के जूते हैं ना, इसका कम्फर्ट लेवल बहुत अच्छा होता है, बहुत कम्फर्टेबल होते हैं ये जूते, तो प्राइस रेंज तो सेम ही होती है। तो उससे पहले मैंने कहा न्यू लुक में ज़रा थोड़े कपड़े देखूँ। मैं एक्चुअली मदीना से अपने लिए कुछ शर्ट्स और कुछ पैंट्स लाई थी। अब जो शर्ट्स लाई थी उनके साथ ट्राउज़र्स नहीं हैं, और जो पैंट्स लाई थी उनके साथ शर्ट्स नहीं हैं। तो अभी मैं शर्ट्स देख रही हूँ। एक्चुअली ये जो ये वेस्टर्न कपड़े हैं ना, इनको भी बड़े ही ध्यान से ख़रीदना पड़ता है। एक तो ये थोड़े से ना ऐसे होते हैं कि हम पहन नहीं सकते, फिर उसके ऊपर लेयरिंग करो, मतलब शर्ट है तो उसकी बाजू ऐसे हैं तो उसके ऊपर कुछ और पहनो, कुछ और पहनो, बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है, सूट बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है। तो अभी फिर मैं देखने के लिए आई थी यहाँ पर, ये ना मुझे टैंक टॉप चाहिए थी, इसके ऊपर मेरे पास शर्ट है, ठीक है, तो ये उसमें ऑनलाइन तो बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन यहाँ पे लाइव आके ना मुझे इसका वाइट नहीं पसंद आया, इसका कलर अच्छी नहीं लगी मुझे। बस फिर ये बहुत आजकल इन है जंप सूट्स, तो ये भी यहाँ पे देखे, बस अजीब ही फैशन करती हैं ये गोरियाँ भी, मुझे समझ नहीं आती इनके फैशनों की, मतलब चीज़ सजे तो सही ना, और कुछ इतने लाइक कलर पहनती हैं मरे हुए कि बंदे की मौत ही वाकया हो गई है ये कपड़े पहन के। इनको फिर बड़े ध्यान से स्टाइल करना पड़ता है। अब चूँकि रहना यहाँ है, तो फिर यहाँ के चीज़ों को थोड़ा यूज़ टू होना पड़ेगा। तो अभी गर्मियाँ तो आ गई हैं, लेकिन फिर भी आपको एक कोट की ज़रूरत ऊपर रहती है, एक जैकेट की, एक जंपर की, एक स्वेटर की ज़रूरत आपको है। तो ये मैं ये शर्ट देख रही थी, ये मुझे अच्छा लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन जब मैंने इसको पहना, ट्राई किया, तो बिल्कुल नहीं सजा। बस उसके बाद जूते, बैग, अच्छा मैं ना अपनी चॉइस इतनी ख़राब मैंने कर ली हुई है, आप यकीन करें कि मुझे कहीं पर कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, इतनी मतलब ओके हो के ना, बस ओके हो करने वाली बात है ये अपने आप को, कि मतलब कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। आप देखेंगे शॉप जो है ये भरी पड़ी है जूतों से, हर किस्म के चप्पल्स हैं, सैंडल्स हैं, बंद जूते हैं, ट्रेनर्स हैं, सब कुछ है यहाँ पर मुझे कोई एक जूता यहाँ पसंद नहीं आ रहा था। और लोग ऐसे धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे थे जैसे पता नहीं दोबारा कुछ मिलना नहीं है, या मतलब ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और मुझे तो अपने दिमागी हालत पे शक हो रहा था कि मैं मतलब मुझे क्यों नहीं कुछ पसंद आ रहा। वैसे तो मैं मुझे फ़ौरन कुछ पसंद आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था जो मैं पसंद करती, ना कोई बैग अच्छा था, ना कोई गलना बात। मैंने जो लिए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि पहन के दिखाऊंगी आपको, भरपूर मॉडलिंग का मुजाहरा करेंगे आप लोगों के सामने कि मैंने कैसे अपने ड्रेसेस को स्टाइल किया है। तो यहाँ पर तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर जो नेक्स्ट स्टॉप था वो था क्लार्क। यहाँ क्लार्क्स पे जूते अच्छे हैं इनके, यहाँ पर ना मैं मैगज़ीन देख रही थी वोग, उसमें ये इनकी वोग कलेक्शन है, बड़ी कम्फर्टेबल, बड़ी स्टाइलिश, लेकिन ना ये वेस्टर्न कपड़ों के साथ जाएगी। अब मैं जूते ऐसे ढूँढ रही थी, जो सैंडल्स ये देखेंगे भी हैं, ये इन पर सेल भी थी कुछ आइटम्स पे ना, कि जो कि पाकिस्तानी कपड़ों के साथ भी जाएं और वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी जाएं, ये ज़रा थोड़ा मुश्किल काम था। और मैं जूते ना इस तरह के पहनती हूँ, मेरा ना पाँव बहुत मुड़ जाता है, मैं चलते चलते मेरा पाँव मुड़ जाता है, तो मैं अपने लिए बहुत देख सोच के जूता जो है वो सेलेक्ट करती हूँ। ये भी अच्छे थे। दूसरी बात बताऊँगी सैंडल पहनने का, अभी हौसला भी नहीं बंदा कर पा रहा क्योंकि यहाँ पर ठंड है,
तो फाइनली ये वो जूता है जो मुझे कुछ अपने उस एडिडास के जूते के साथ मिलता जुलता नज़र आया। आप बताइएगा कि आपको ये वैसा लग रहा है या नहीं। तो इसमें थोड़ा सिल्वर हिंट था, वैसे भी मेरी दोस्त बड़ी डिस्कोसी है, उसको सिल्वर गोल्डन अच्छे लगते हैं, तो फिर उसके लिए मैंने ये वाला जूता लिया। और फिर गुजरते गुजरते मेरी नज़र इस शॉप पर पड़ी, इसका नाम था मोरक्कन गिविंग्स। इतनी ज़बरदस्त शॉप थी, आपको पता है ना मैं अपने घर को कुछ थोड़ा सा टिंग टोंग कर रही हूँ उसके साथ, मतलब उसको थोड़ा डेकोर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को होम टूर दे सकूँ। तो जैसे ही मैं शॉप के अंदर गई ना, मेरी तो आंखें जैसे मतलब ना खुली की खुली रह गई। इतनी खूबसूरत चीज़ें, और ये सारी हैंड क्राफ्टेड थी, मतलब हैंडमेड थी, और मोरक्कन चीज़ें थी सारी, इतने कलरफुल, इतने प्यारे प्यारे कलर के मज़ा आ गया। और उसके बाद जो क्रॉकरी थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी, हैंडमेड क्ले पॉट्स थे और देखने वाले, उसके अलावा रग्स थे, वॉल हैंगिंग्स थी, बहुत खूबसूरत ना। लेकिन एक मुद्दा था इन सारे मामले में कि ये चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव थी, तो आपको पता है हर बंदे का एक बजट होता है, और मुझ जैसे बंदे का बजट जिसने के होम सेट करने के सारे पैसे जो हैं वो खर्च लिए हैं ऑलरेडी, तो अब मैं तो बहुत ज़्यादा बजट रिस्ट्रिक्टेड हूँ, तो बहुत देख सोच समझ के चीज़ें लेने वाले सिचुएशन में हूँ मैं। लेकिन इतनी इतने अच्छे वॉल्स थे, इतने खूबसूरत, दिल करता पूरी दुकान को ना बस मैं पैक करूं और घर ले जाऊं। वाज इतने खूबसूरत थे, और उसके अलावा चीज़ें बड़ी यूनिक थी, मतलब अब ये देखेंगे जो पॉट रखने वाला स्टैंड है कितना अच्छा है ना, इतना अर्दी इसकी टोन थी और बहुत खूबसूरत, और ये जो वाज हैं ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, कलर बहुत अच्छे थे, मतलब मौत वाकया हुई हुई चीज़ें नहीं थी, ऐसी वाइब्रेंट चीज़ें थी कि आप इसको अगर दो तीन पीस ही यहाँ से सिलेक्ट करके अपने लिविंग रूम में रखें ना तो ज़रा रौनक आ जाएगी। तो मैंने अच्छा डिटेल जायज़ा लिया पूरी शॉप का, लेकिन मैंने कुछ लिया इसलिए नहीं कि मेरी एक दोस्त है नाजिया, ठीक है, वो होम डेकोर में ना बड़ी चैंप है, तो मैंने सोचा कि उनके साथ मैं आऊँगी और वो सिलेक्ट करेंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो थीम है ना वो ख़राब ना हो जाए, तो उनके मशवरे के बगैर लेना मुझे मुनासिब नहीं लगा कि वो आके मुझे बताएंगे कि मुझे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। और ये इतनी अच्छी सर्विंग, ये जो सर्वेयर था, सर्विंग ट्रेस थी, बहुत अच्छी थी, और मैं तो बस हैरान हो गई। इनमें से मैंने दो तीन ली हैं, इंशाल्लाह वो आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं। बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, यकीन करें इतनी वाइब्रेंट, इतनी कलरफुल कि आप अपनी टेबल पे इसमें जो भी फूड डाल के रखेंगे ना वो और सज जाएगा। तो और सबसे बड़ी बात, ये हैंडमेड थी, तो एक्सपेंसिव थी थोड़ी, बस मैंने दो तीन चीज़ें ली हैं यहाँ से, मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि वो क्या हैं। और ये बैम्बू बास्केट्स थी इतनी अच्छी, और वुडन स्पून भी बहुत अच्छे थे, उसके अलावा ना डिफरेंट और यूनिक चीज़ें थी। बड़ा तफसीली मैंने इस शॉप का टूर किया है कि आप लोगों को दिखा सकूं मैं। और फिर ना सिल्वर वेयर बहुत अच्छा था, इतनी यूनिक चीज़ें थी जो कि मेरी नज़र से पहले नहीं गुजरी हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये बाल्टी, और ये असल में ये हाथ धोने का एक उनका ट्रेडिशनल स्टाइल है मोरक्कन का, तो कितना खूबसूरत है, बट बहुत ही एक्सपेंसिव था और यहाँ पर रखने की जगह भी नहीं है। बस उसके बाद फिर मैं लिडल आ गई, ये भी यहाँ का एक बड़ा अच्छा अफोर्डेबल ग्रॉसरी स्टोर है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, स्पेशली इनकी जो बेकरी है वो बहुत अच्छी है, लाइव बेकरी है, और इतनी किस्म की चीज़ें थी। मेरे बच्चों को यहाँ के डोनट्स बहुत पसंद हैं, तो मैंने उनके लिए जो लेने थे वो तो ख़त्म हो गए थे, तो बहरहाल, और प्राइस भी बड़ी मुनासिब है बाकी जगहों से। तो इतनी किस्म की यहाँ पर ये देखिए मिल गए हैं, तो बस मैं बच्चों के लिए ये लेती हूँ डोनट्स, और मेरी बेटी को एक कस्टर्ड वाला डोनट पसंद है वो भी लिया मैंने, और फिर उसके बाद ये मिनी पिज्ज़ाज हैं, और ब्रेड की इतनी वैरायटी है ये देखिए, और प्राइस कितनी अच्छी है। यही ब्रेड बाकी जगहों पे आप जाके लेंगे ना तो महंगी होगी, तो क्यों ना बंदा उस जगह से ले जो अफोर्डेबल है, जबकि टेस्ट भी सेम है, चीज़ भी सेम है। तो मैंने यहाँ से सोडो ब्रेड ले ली थी, उसके सैंडविच बहुत मज़े के बनते हैं, ये रही वो। और फिर मुझे इनके यहाँ के ऑलिव्स फेटा चीज़ बहुत पसंद है, ये लिए मैंने। और असल में ना मैं एक रेसिपी, मेरा दिल कर रहा था एक बड़ी मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी जो है वो मैं बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी वो बनाने को, तो उसके मैं ये इंग्रेडिएंट्स जो इकट्ठे कर रही थी, और ये रहा क्लासिक हुमस। मेरे फ्रिज में हर वक्त आपको ऑलिव्स और हुमस तो ज़रूर मिलेगा, और योगर्ट भी, क्योंकि ये मेरे फेवरेट स्नैक्स हैं, इसके बगैर मुझे मज़ा नहीं आता है। तो मैंने एक जो रेसिपी मैंने बनानी थी उसके लिए ना मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, लेकिन चीज़ की कितनी वैरायटी है यहाँ पर, है ना, और थोड़ी सी हायर साइड पे है चीज़, आपको पता है महंगी होती है, ये है वो चीज़। बचपन याद आया आपको जब टॉम एंड जेरी इस चीज़ में छुपते थे, है ना, स्पेशली जेरी,
ये वो वाली चीज़ है, ये मैंने ली और बस फिर उसके बाद घर आ गई और मैंने बनाना था खाना। अब मेरे पास थे सिर्फ 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में ना मैंने जनाब खाना बनाना है, और मैंने जब देखा कि हर चीज़ ही बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, जो लाने वाली चीज़ें थी वो मैं लेके नहीं आई, और पता नहीं क्या करके आ गई हूँ शॉपिंग, पता नहीं अभी तरह से क्या करने गई थी मैं। और मैंने फिर ये क्विक चिकन हांडी बनाई है जो कि बस आधे घंटे में बनती है, फटाफट इसको बनाया, और साथ में मेरे बेटे ने फरमाइश की हुई थी जर्दे की, तो मैंने राइस जो थे वो पहले से सोक किए हुए थे, तो बस आपको पता है फिर जर्दा बनाने में तो 10 मिनट भी नहीं लगते, तो मैंने ये कैटल में पानी बॉईल किया, जब क्विक जर्दा बनाना हो तो उसको फिर रखें आप चूल्हे पे, ठीक है, और उसमें ये जर्दा रंग डाला है। मैं काम करती हूँ बहुत क्विक, ये चीज़ें मैंने देखें पहले निकाल के रख ली थी, मैंने डाली है कुछ लौंगे, दो इलायची, और ये राइस मैंने सोक किए हुए थे और मैंने उसके लिए जर्दा बना दिया। आपने अगर पहले से सोचा हो ना कि आपने क्या बनाना है तो फिर आसान हो जाता है सब कुछ, क्योंकि वो एंड टाइम पे सोचने बैठो फिर तो बहुत टाइम लगता है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया हो। बातों बातों में बन गया है जर्दा। अपना बहुत ख्याल रखें, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।